डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें डेरिवेटिव्स होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और तब हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और उसी में हमारा ऑर्डिनरी और पार्शियल दो तरह का होता है। ऑर्डिनरी कब होता है? जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, मतलब y x का फंक्शन है, तो y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंड अपन x, इसलिए x को इंडिपेंडेंट, x किसी पर डिपेंड नहीं है, x इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पर एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इस केस में हमारा क्या होगा ना, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, जैसे हम लोग जेड मान लिया जाए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, और डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, ये सब रहेगा, तो उसको हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हम लोग देख रहे हैं कि एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर हमारा मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा तो उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ओके, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ये तीन डेफिनेशन है। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ना, जिसमें डेरिवेटिव्स रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव्स आएगा, उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक ही होगा, जैसे वाई एक्स का फंक्शन है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स ही है, और उसमें डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, ये सब रहेगा, तब हम उसको कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसी केस में अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो, तो उस केस में हम उसको कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा ना, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई इंटू एक्स स्क्वायर इजकल टू फाइव, ये हमारा हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को हम लोग अगर पार्शियल लिखेंगे तो ट्वाइस डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स क्यूब, यह हमारा हो गया पार्शियल। पार्शियल में क्या है ना, जेड डिपेंड्स अपन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए इसको ऑर्डिनरी कहेंगे, यह हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ओके, इस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे। अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री को देखेंगे। तो ऑर्डर क्या है ना, हम लोग कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका जो डेरिवेटिव का ऑर्डर हम लोग देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा, ठीक है, उसको उसका ऑर्डर कहलाएगा। जैसे इक्वेशन नंबर वन में d4y by dx4, यानी इसका ऑर्डर हो गया चार, चार ऑर्डर का डेरिवेटिव है। यहाँ पर हमारा मैक्सिमम दो ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसलिए इसका ऑर्डर होगा टू। और ये क्वेश्चन नंबर टू में ऑर्डर होगा वन, क्योंकि y डैश दैट इज dy वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका ऑर्डर टू और इसका ऑर्डर भी टू। क्लियर हो गया, ऑर्डर हमारा क्लियर हो गया। अब डिग्री हम लोग क्या देखेंगे ना, डिग्री में पहले ध्यान देना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव होना चाहिए, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल में होना चाहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए डेरिवेटिव पर, माने डेरिवेटिव से पॉलिनोमियल इक्वेशन बनना चाहिए। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब हुआ पावर फोर, पावर थ्री, पावर टू, इस तरह से अरेंज होगा।
तो ये हमारा पॉलीनोमियल फॉर्म में है, इसलिए इसका डिग्री क्या होगा, ना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, पावर तो कुछ नहीं एक है, इसलिए इसका हो गया डिग्री वन, इसका भी डिग्री वन और इसका भी डिग्री वन। और ये क्वेश्चन नंबर वन और फोर में ध्यान दो, इसमें डेरिवेटिव y डबल डैश ट्रिपल डैश है, यानी डेरिवेटिव है लेकिन ये पॉलीनोमियल में नहीं है, इसका साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन सीरीज में तो होगा, जैसे साइन x, साइन x क्या होता है, साइन x का वैल्यू क्या होता है, साइन x इज इक्वल टू होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5, इस तरह से होता है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा x के पावर सीरीज में तो है लेकिन इसमें डिग्री डिफाइन नहीं हो पाता है, इसलिए y ट्रिपल डैश का जो साइन सीरीज है ये हमारा साइन फंक्शन है, ये इसमें हमारा पॉलीनोमियल इन y ट्रिपल डैश नहीं है और इसलिए ये हमारा इसमें अनडिफाइंड होगा। क्या अनडिफाइंड होगा, इसमें डिग्री अनडिफाइंड होगा, डिग्री अनडिफाइंड होगा और इसमें भी डिग्री अनडिफाइंड होगा, डिग्री अनडिफाइंड होगा। क्यों अनडिफाइंड होगा, ना इसलिए कि ये कॉस ऑफ द डेरिवेटिव, कॉस ऑफ द डी वाई बाई डी एक्स का कॉस फंक्शन, कॉस फंक्शन यानी ये पॉलीनोमियल फंक्शन पॉलीनोमियल इक्वेशन में नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स पर या डी टू वाई बाई डी एक्स टू पर कोई पॉलीनोमियल फंक्शन नहीं है और इसलिए हमारा डेरिवेटिव में पॉलीनोमियल फंक्शन नहीं होने के लिए है ना, इज द डिफरेंस है पॉलीनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव होना जरूरी है, ये नहीं होने के कारण इसका डिग्री अनडिफाइंड है, इसका चार नंबर का भी डिग्री अनडिफाइंड होगा। ओके, ये हमारा डिग्री और ऑर्डर का डेफिनेशन। ऑर्डर में हम लोग जस्ट देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, उसका जो भी ऑर्डर होगा वही उसका ऑर्डर होगा। अब डिग्री देखने के लिए हमको पहले देखना है कि डेरिवेटिव पॉलीनोमियल में है कि नहीं, पॉलीनोमियल में है तो उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर चाहिए हमको, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स होना चाहिए। तो ये जो होगा, जैसे 5 पावर है तो 5 पॉजिटिव पावर होना चाहिए और इंटीग्रल में होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में होना चाहिए। तो ये हमको देखना है कि डिग्री, तो इस तरह से डिग्री और ऑर्डर के लिए हम लोग क्या देखें, ना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 में डिग्री अनडिफाइंड होगा, डिग्री इज अनडिफाइंड 1 और 4, और बाकी सब में डिग्री डिफाइन है। यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव का कॉस फंक्शन नहीं है, एक्स का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, इसलिए हमारा यहाँ पर ये हमारा चलेगा, ये हमारा डेरिवेटिव पर पॉलीनोमियल होना जरूरी है। ओके, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 2, 3, 5 में डिग्री क्या होगा, 2 का डिग्री होगा 1, 3 का डिग्री होगा 1 और 5 का डिग्री भी 1, काहे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखेंगे। तो जैसे यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई डैश से डी वाई बाई डी एक्स, उसका पावर 1, इसमें हमारा क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स 2 जैसा है, डी टू एस बाई डी टी 2 इसका पावर 1 है, इसलिए इसका डिग्री 1, इसमें भी पावर 1 है, डिग्री 1 है तीनों का। और ऑर्डर लेकिन क्या है ना, इसका ऑर्डर होगा 1, अच्छा 1 से देखते हैं, इसका ऑर्डर होगा 4, इसका ऑर्डर होगा 2, इसका ऑर्डर 1 और ये इसका ऑर्डर होगा 2 और इसका ऑर्डर होगा 2। ओके, अब एक्सरसाइज 9.1 का हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 से 12 तक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें डिग्री और ऑर्डर निकालना है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है ना, y3 दैट इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए ऑर्डर 3 होगा। इसका हमारा ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर होगा 3, इसका ऑर्डर भी 3। ओके, ऑर्डर हम लोग देखने के लिए हम लोग सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव
वाई डबल डैश है इसलिए इसका ऑर्डर भी होगा 2 और इसका ऑर्डर भी होगा 2 और ये हमारा ऑर्डर होगा 3 ऑर्डर 3 और इसका ऑर्डर भी होगा 2 ऑर्डर हम लोग इजीली निकालेंगे। अब डिग्री देखेंगे तो हम देखेंगे कि डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल में है ना पॉलिनोमियल सीरीज में, तो पॉलिनोमियल में है यानी साइन कॉस सीरीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव का, तो इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है उसको हम कहेंगे डिग्री, तो डिग्री हो जाएगा यहाँ पर वाई थ्री है माने वाई ट्रिपल डॉट माने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसी का पावर देखेंगे उसका पावर है 2 यानी इसका डिग्री भी होगा 2, इसका डिग्री 1 होगा क्योंकि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ये 1 पावर है, ये हमारा होगा ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसका पावर 1 है यानी इसका डिग्री हो जाएगा 1, यहाँ पर भी हमारा डिग्री 1 क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 1 पावर है यानी डिग्री 1, यहाँ पर हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर देखेंगे तो 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक साइन ऑफ डेरिवेटिव है यानी इसको देखकर हम लोग ये इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स सभी डेरिवेटिव्स में, इसलिए इसमें डिग्री हमारा क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा अनडिफाइंड होगा। ओके यहाँ पर हमारा डिग्री हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसका पावर 1 यानी डिग्री होगा 1। ओके तो ये देखना है कि डिग्री निकालने के लिए हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि डेरिवेटिव्स पॉलिनोमियल में होना चाहिए, पॉलिनोमियल में डेरिवेटिव्स होना चाहिए तब उसका हम लोग डिग्री निकाल सकते हैं। ओके डिग्री निकालने के लिए ये हमको देखना है क्या कि साइन सीरीज क्या होता है साइन या कॉस सीरीज, साइन एक्स इज इक्वल टू ये एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स फाइव ये इन्फिनाइट सीरीज होता है, वैसे कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 ये इन्फिनाइट सीरीज में चला जाता है, इसलिए इसमें पावर डिग्री निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए डिग्री निकालने के लिए हमारा जितना भी डेरिवेटिव्स पॉलिनोमियल में रहना चाहिए। ठीक है ओके थैंक यू।